जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2022-23 का जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो एसएससी ने जारी कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वैकेंसी कब तक आएगी और इस बार की जो नंबर ऑफ वैकेंसी होगी वो कितनी होगी, क्योंकि 2018 के बाद में 2021 का जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट आया था जितनी वैकेंसी उसमें आनी थी उतनी वैकेंसी नहीं आ पाई। सीआरपीएफ वगैरह जैसे बड़े पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी वैकेंसी नहीं थी। तो आज बात करने वाले दोस्तों 2022-23 का जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा, कब आपका दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन होगा, साथ ही दोस्तों इस बार की आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होने वाली है, बिल्कुल दोस्तों इसको लेकर मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताऊंगा। साथ ही आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और कैसे आप तैयारी करें ताकि आप अच्छे नंबर लाके एक अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट हो सके, तो इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से मिलने वाली है। बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, तभी जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आने वाली है। साथ ही अगर आप एसएससीजीडी कांस्टेबल से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूं एसएससीजीडी कांस्टेबल 2022-23 का जो रिक्रूटमेंट है उसका जो कैलेंडर है वो एसएससी ने जारी कर दिया और डेट दोस्तों कन्फर्म हो चुकी है कि इस दिन आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं एसएससीजीडी कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट है वो 10वीं पास वालों के लिए, चाहे आप 10वीं पास में 10वीं में आपके कितने भी परसेंट हो, परसेंटेज का कोई क्रिटेरिया नहीं रहेगा यहां पे, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास की है आप इस रिक्रूटमेंट के लिए इलिजिबल माने जाएंगे। तो पहली चीज तो है दोस्तों 10वीं पास वाले सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात आती है दोस्तों एज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एज को लेकर काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर एसएससी जीडी में एज क्रिटेरिया कितना होता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज है वो कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 23 साल होनी चाहिए। 23 साल से अगर आपकी एज ज्यादा है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज आती है दोस्तों ओबीसी के जो भी कैंडिडेट है उनकी एज 18 से लेकर 26 साल तक है तो वो एसएससी जीडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज आती है दोस्तों एससी और एसटी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की आयु में छूट मिलती है और उनकी एज 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उससे अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और कब इसके ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगी और कितनी पोस्ट पर यह वैकेंसी आने वाली है। जी हां दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको आज से ही तैयारी में जुटना होगा और इसके लिए दोस्तों चाक्सू पब्लिकेशन की काफी अच्छी गाइड मार्केट में आ चुकी है जो कि दोस्तों सिलेबस के हिसाब से इस बुक को तैयार किया गया है जिनमें सभी टॉपिकों को बारीकी से दर्शाया गया है सिलेबस के हिसाब से। साथ ही इसके दोस्तों इसका प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है। अगर आप इन दोनों ही बुकों को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी जाके आप इन बुकों को परचेज कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका सेम रहता है। सबसे पहले आप लोगों का सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि एसएससी कंडक्ट करवाती है दोस्तों एसएससी। उसके बाद में जो फिजिकल वाला काम होता है वो सीआरपीएफ को सौंप देती है क्योंकि एसएससी के बाद में एसएससी जीडी की जो नोडल एजेंसी है फिजिकल वो सीआरपीएफ और पीटी और पीएमटी का सारा प्रोसेस है वो सीआरपीएफ ही हैंडल करती है। और दोस्तों पीटी पीएचटी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते उन सभी कैंडिडेटों का डीएमई होता है, डॉक्यूमेंट के साथ में उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है और ये प्रोसेस भी सीआरपीएफ के ही अंडर में होता है। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो दोस्तों एसएससी डिक्लेयर करती है। जी हां दोस्तों, एसएससी डिक्लेयर करती है जितनी वैकेंसी आपके और कितने कैंडिडेटों ने मेडिकली क्वालिफाई किया है, फाइनली मेरिट लिस्ट तक पहुंचे उसके हिसाब से दोस्तों यहां पर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और वो स्टेट वाइज आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलती है। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के लिए कब से ऑनलाइन अप्लाई होंगे और कितनी आपकी वैकेंसी रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पर आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर की कटिंग, 1 लाख से ज्यादा पदों पर इस बार का रिक्रूटमेंट आने वाला है क्योंकि दोस्तों हाल ही में दोस्तों जो लोकसभा है उसमें मुद्दा भी उठाया गया था, गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया था कि 2.5 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेज में वैकेंसी खाली है। उसके पहले मैं बता देता हूं लगभग दोस्तों 1 लाख के लगभग
1 लाख के लगभग आपकी वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिल सकती है। 1 लाख के आसपास एक्सपेक्टेड जो आपकी वैकेंसी है वो इन्हीं के आसपास रहने वाली है, 1 लाख के लगभग। दूसरी बात आती है दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई को लेकर, तो ऑनलाइन अप्लाई की डेट आ चुकी है, देख सकते हो दोस्तों कैलेंडर एसएससी ने जारी कर दिया है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं फरवरी में आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2023 में आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, और 2023 में फरवरी में इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, और लगभग जून जुलाई के लगभग आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपके सामने ज्यादा समय नहीं बचा, अगर आप अभी से तैयारी में जुड़ जाते तो आपके सिलेक्शन का चांसेस बन जाता। इसके अलावा आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, साथ ही एसएससीजीडी कांस्टेबल को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।